हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू हेडवे लाइफस्टाइल विद स्नेहा सिंह। सो आप ये सामने पुराना किला देखकर समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं आज। तो दिस इज पुराना किला, हाउएवर वेयर वी आर मूविंग दैट प्लेस इज रेड फोर्ट, जो दिल्ली रेड फोर्ट जिसको हम कहते हैं। सो वहाँ पर हम पहुँच गए थे मॉर्निंग में आफ्टर विजिटिंग द लोटस टेम्पल। तो अपने पुरानी सीरीज़ में अगर लोटस टेम्पल एंड कालका जी वगैरह का व्लॉग मिस आउट कर दिया होगा, सरोजनी नगर का व्लॉग मैंने डाला है, उसके बाद जनपद मार्केट का डाला है, उसके हॉल भी डाले हैं। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड दोज व्लॉग्स, प्लीज़ गो एंड वॉच दोज व्लॉग्स, क्योंकि बहुत ही अच्छे व्लॉग्स हैं वो। तो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अगर आप दिल्ली घूमने वाले हैं या दिल्ली में हैं इस वक्त, तो इट विल रियली हेल्प यू, सो वॉच दोज। सो हम तो पहुँच गए थे लाल किला, एंड इसके बारे में मैं आपको बताती जाऊंगी। हाउएवर सबसे पहले जब आप लाल किला पहुंचते हैं आपको टिकट लेनी पड़ती है लाल किला की। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, या तो आप टिकट काउंटर पर खड़े होकर टिकट ले सकते हैं, या तो आप स्कैन एंड पे का भी ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। लाल किले के बारे में जितना पता है उतना कम है। अगर लाल किले के सबसे बड़े फैक्ट के बारे में मैं बात करूँ तो इसका नाम तो लाल किला है, सही है, क्योंकि इसका रंग ही लाल है। बट क्या आप जानते हैं रेड फोर्ट रेड था ही नहीं? जी हाँ, रेड फोर्ट ओरिजिनली वाइट कलर का था क्योंकि ये लाइमस्टोन से बना हुआ था। बट जब थोड़े समय के बाद इसके बनने के बाद जब लाइमस्टोन्स के चिप निकलने लगे तो उसके बाद इसे पेंट किया गया इन रेड। जी हाँ, ये कभी रेड था ही नहीं, ये वाइट था, लेकिन इसको रेड पेंट करने के बाद इसका नाम हो गया रेड फोर्ट, जबकि इसे रेड फोर्ट नहीं, ओरिजिनल नाम इसका था किलाए मुबारक, मतलब द ब्लेस्ड फोर्ट, ये इसका ओरिजिनल नाम था। जब इसको कलर किया गया उसके बाद इस फोर्ट का नाम पड़ा रेड फोर्ट। सो रेड फोर्ट के बारे में एक और बात कि रेड फोर्ट बनाया गया था एम्परर शाहजहां के द्वारा 1648 में, जो कि वाइट कलर में था जैसे कि मैंने आपको बता दिया, फिर बाद में इसे रेड पेंट किया गया था। लेकिन आप ये जानते हैं कि इट टुक 10 ईयर्स बाय उस्ताद हमीद एंड उस्ताद अहमद, जो कि इसके आर्किटेक्ट थे, ड्यूरिंग दैट टाइम टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन इन 1638 एंड कंप्लीटेड इन अ डेकेड। एक डेकेड लग गया इसके कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में। अब यहाँ पर दो गेट्स हैं, एक लाहौर गेट एक दिल्ली गेट। यूजुअली आप लाहौर गेट से एंटर करते हैं, जब आप एंटर करते हैं तो या तो आप पैदल चल सकते हैं, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के बाद मेन एंट्रेंस आती है, या फिर आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं 10-10 रुपीज़ की यहाँ पर रिक्शास चलती हैं, शेयरिंग ऑटोज़ होती हैं, तो आप वो ले सकते हैं टिकट उसकी और आप फिर गेट तक पहुँच सकते हैं। आपको गेट के थोड़े पहले छोड़ देते हैं तो आपका इतना ज़्यादा वॉकिंग जो है वो बच जाता है। तो दैट इज़ वॉट वी डिड, हमने 10 रुपीज़ की शेयर ऑटो पकड़ी और हम यहाँ के मेन गेट तक पहुँचे। अच्छा, क्योंकि मैं फोर्ट्स की बहुत शौकीन हूँ, मैं इनके आर्किटेक्चर को बहुत ध्यान से देखती हूँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो पूछती हूँ, तो मुझे ये पता है कि किसी भी फोर्ट की डिज़ाइन जो होती है वो सिर्फ लुक के लिए नहीं बनती है। आप देखेंगे जो छोटे 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 गैप्स हैं ना ऊपर की तरफ, ये या तो गन्स रखने के लिए, या तो ऑयल फेंकने के लिए दुश्मनों पे, और इस तरह की चीज़ों के लिए बनाए जाते थे ताकि फोर्ट का प्रोटेक्शन हो पाए। तो इस तरह की चीज़ें पुराने टाइम में जो होते थे, या तो यहाँ से तीर चलाए जाते थे, या तो यहाँ से ऑयल फेंका जाता था। यूजुअली जो पहाड़ों पे फोर्ट्स होते थे ना, उस पे से ऑयल फेंका जाता था गरम गरम, या फिर तीर चलाए जाते थे यहाँ पर भी। और यहाँ पर तो गन्स वगैरह भी आ गई थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो गन्स वगैरह रख के यहाँ पर चलाए जाते थे। तो बहुत सारे आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस होते हैं, सिर्फ डिज़ाइन के लिए किसी फोर्ट को इस तरह का नहीं बनाया जाता है। हम जब किसी भी फोर्ट में जाते हैं तो हम डिज़ाइन पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कलर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वहाँ के फर्नीचर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पर सच बताऊँ वो फैक्ट्स आपको बता ही नहीं पाते हैं। फैक्ट्स तो वो होते हैं जो आप दीवारों की तरफ उसके डिज़ाइन की तरफ देख कर समझते हैं कि ये क्यों बनाए गए थे, अगर यहाँ पर एक लूप है तो ये क्यों बनाया गया था। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ऑल्सो ये है मेन एंट्रेंस रेड फोर्ट की, जहाँ से आप अंदर घुसते हैं। बहुत ही भव्य बड़ा सा दरवाज़ा है, बहुत ही मेन बड़ा जो एंट्रेंस गेट है बहुत ही बड़ा है, और यहाँ पर दो तोपें रखी गई हैं पुराने टाइम की, तो ये कैनन्स हैं। एंड यहाँ पर देखिए, जो मैं कह रही हूँ आपको, ये जो गैप्स होते हैं ये क्यों होते हैं, ये नीचे की तरफ स्लिट करे होते हैं ताकि कोई भी अच्छे से एम लगा सके फोर्ट की तरफ, फोर्ट के नीचे की तरफ, तो इसके लिए बनाया जाता है। दीज आर द ओल्ड कैनन्स जो कि रखे हुए हैं। एंड ये है बहुत ही बड़ा सा एंट्रेंस, जिसके दरवाजे इतने भारी थे, ट्रस्ट मी, इतने ह्यूज हैं और इतने भारी हैं, एक इंसान की तो हिलाने के बस के भी नहीं है। सो ये अंदर जाने का मेन रास्ता है, जहाँ से आप अंदर जाते हैं, और फिर एक ओपन स्पेस आता है बेसिकली। अच्छा,
पहले तो रेड फोर्ट में हम जब भी गए हैं हमें गाइड्स वगैरह मिले हैं, ऐसा नहीं कि अभी भी गाइड्स नहीं हैं, आपको मिल जाएंगे मे बी टिकट काउंटर के आसपास या कुछ, बट हमें गाइड नहीं मिला था। बट थैंकफुली क्योंकि मैं रेड फोर्ट पहले गई हूँ, मैं इस जगह के बारे में अच्छे से जानती हूँ, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर आप जा रहे हैं तो आप टिकट काउंटर के पास ही गाइड ढूंढ लीजिए, अदरवाइज यहाँ पर आपको गाइड मिलना फिर मुश्किल हो जाएगा। जब आप इस दरवाजे के अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा छत्ता बाजार, जो कि एक रॉयल मार्केट था, रॉयल वुमेन के लिए जो मार्केट लगता था वो है। ये है एग्जिट छत्ता बाजार जब खत्म हो जाता है। अगर आपको छत्ता बाजार देखना है कैसा है क्या है, अभी भी वहाँ पर मार्केट लगता है ऑब्वियसली, हम सब के लिए, रॉयल्स के लिए नहीं, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा व्लॉग देखिए, यू विल इन्जॉय इट। अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो यू शुड वॉच इट। इनफैक्ट मैंने काफ़ी कुछ खरीदारी भी की थी छत्ता बाजार से, तो वो भी आप देख सकते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। जब आप एंटर करेंगे उसके लेफ्ट साइड पे आपको म्यूजियम वगैरह दिखेगा, बट आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि आप फोर्ट घूम लीजिए फिर आप म्यूजियम घूमिए। म्यूजियम 5 बजे तक खुला होता है, और ये जैसे कि आपको दिख रहा है नौबत खाना जिसको कहा जाता है, ये नौबत खाना बेसिकली जैसे ही आप एंटर करेंगे छत्ता बाजार में एक ओपन एरिया आती है, उसके बाद जैसे ही आप जाएंगे जो सेकेंड गेट होता है अंदर का उसको नौबत खाना बोलते हैं, जिसका कि मैं अभी आपको विजुअल्स दिखा रही हूँ। तो दिस इज़ नौबत खाना एंड दिस इज़ नोन एज द प्लेस जहाँ पर अनाउंसमेंट की जाती थी, कोई भी रॉयल अंदर आया, कोई भी रॉयल फैमिली का अंदर आया तो उसके लिए अनाउंसमेंट होती थी, महाराजा के लिए, मुगल एम्परर के लिए अनाउंसमेंट की जाती थी, ढोल बजते थे। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल, किस तरह से यहाँ पर यू नो सब चीज़ें बनाई गई हैं। एंड जो आप यहाँ पर पेंटिंग्स देख रहे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब पहले की पेंटिंग्स हैं, ये सब नेचुरल पेंट से बनाई जाती थी। एंड यू कैन सी इसका कलर अभी भी काफ़ी गहरा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कलर्स हैं, ये सब नेचुरल पेंट्स हैं, तो इस तरह से बनाए जाते थे। जो आप लूप देख रहे हैं ऊपर सीलिंग पर, वहाँ पर से कुछ चैंडलियर टाइप का कुछ लटकता होगा जहाँ पर लाइटिंग या कुछ फायर वगैरह लगाया जाता होगा, तो उस तरह से। और कर्टन्स के लिए लूप आप देखेंगे, ये सब देखिए ग्लास वगैरह लगा दिया गया क्योंकि लोग छेड़छाड़ करके इन चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। सो कहीं पर गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी की होती है, कहीं पर गोल्ड का पेंट किया होता है, वो सब लोग खुरेच देते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसी चीज़ों को कवर करना पड़ता है। जो ग्लास का कवर्ड एरिया था वहाँ पर आप देखेंगे गोल्ड कलर आपको दिखाई देगा, जो कि ऑब्वियसली पुराने ज़माने में रियल गोल्ड होता था। तो दिस इज़ नौबत खाना, एंड नौबत खाने के एकदम सामने जो आप देख रहे हैं ये है दीवाने आम, मतलब जहाँ पर पब्लिक ऑडियंस देती थी, और उसके बाद जो पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स होती थी, जो नॉर्मल लोगों की प्रॉब्लम्स होती थी, वो राजा सुनते थे, एड्रेस करते थे और रिजॉल्व करते थे उस समय के। तो ये कंसेप्ट हर एक फोर्ट में आपको दिखाई देगा, दीवाने आम, दीवाने खास जो होता है, हमने पढ़ा भी होगा ऑब्वियसली हिस्ट्री में। तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको जाके देखनी चाहिए, क्योंकि एक पढ़ना होता है और एक देखना होता है, प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखना एक बहुत ही अच्छा सा फील होता है, बहुत बढ़िया लगता है, है ना, भव्यता समझते हैं उस समय के आर्किटेक्चर की, उस समय की चीज़ों की। सो एज आई टोल्ड यू दिस इज दीवाने आम एंड हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर शाहजहाँ क्या करते थे, जनरल पब्लिक को रिसीव करते थे और उनकी ग्रीवियंसेस सुनते थे। तो ये जो है दीवाने आम का आपको मैं विजुअल्स दिखा रही हूँ, एंड यू कैन ऑल्सो गो थ्रू वॉट इज़ रिटन ऑन द स्टोन इंग्रेविंग्स, वो आप देख सकते हैं। एंड दिस इज़ द प्लेस, जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ मेड, जस्ट लुक एट द स्पेस, उसका साइज देखिए, और आप सोचिए कि कितने लोग यहाँ पर ऑडियंस देते होंगे। पहले जब मैं आई थी लाल किले में, तो ये एरिया आप अंदर जाके और जो मेन दीवाने आम का जो स्पेस है जहाँ पर राजा बैठते थे, जो सिंहासन था, जो एम्परर जहाँ पर बैठते थे, वो हमें देखने मिलता था। इट वॉज नॉट कवर्ड इन ग्लास, यू कुड टच इट, यू कुड फील इट, बट आई थिंक कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा बोलते ना लिमिट क्रॉस कर देते होंगे, जाके उस पर चढ़ जाते होंगे, बैठ जाते होंगे, जिसके वजह से ये बंद कर दिया गया और उस पर ग्लास की कवर लगा दिया गया। सो दिस इज़ द बेसिकली स्पेस वेयर द एम्परर यूज टू सिट, थोड़े से ऊपर के हिस्से में जाके, स्टेज टाइप है ये, ऊपर है, एंड उसकी एंट्रेंस पीछे से होती है, वहाँ पर जाके वो सबकी बात सुनते थे और एक हाइट पे होते थे ताकि वो सबको देख सके। दो चीज़ सिंबलाइज करता है, दैट द एम्परर इज़ अबाव एवरीवन, एंड ये भी सिंबलाइज करता है कि वो सबको वहाँ से देख पा रहे हैं। सो ही वॉज ऑन अ हाइट, एंड उनके साइड में जो भी उनके वजीर वगैरह थे वो सब रहते थे, और नीचे जो आप एरिया देख रहे हैं वहाँ पर सब उनके कोर्टमैन खड़े होते थे, और जो मेन बाहर का स्पेस है जहाँ पर कोई रूफ नहीं है, शेड नहीं है, जो ओपन स्पेस है, वहाँ पर जो लोकल ऑडियंस है वो खड़ी होती थी और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब शेयर करती थी। सो दिस इज़ वॉट इज़ दीवाने आम, एंड इसके साइड के जो प्रमाइसिस हैं विद ब्यूटिफुल ट्रीज एंड एवरीथिंग।
और उसके बाद आपने तो ये तो देख लिया, नाउ कम्स द रंग महल, द खास महल, जो कि बहुत ही पेक्यूलियर एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस फोर्ट का। सो ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं वो रंग महल की है। रंग महल कई हिस्सों में बटा हुआ है, इनफैक्ट 6 हिस्सों में बटा हुआ है रंग महल, और इसे ये कहा जाता है बिकॉज लिटरली ये कलर्स पेंटिंग से पूरा भरा हुआ है, जो वॉल आर्ट है पूरा रंगों का महल, जो कलर ऑफ जो पैलेस ऑफ कलर्स इसको कहा जाता है, उसकी वजह से। अभी जब मैंने जूम किया था आपने देखा होगा कि किस तरह से उसकी वॉल्स पे नक्काशी की हुई है, किस तरह से यू नो ऑल नेचुरल कलर्स, अभी वो काफ़ी लाइट हो गए हैं। इनफैक्ट जो नॉर्थ एंड साउथ हिस्सा है रंग महल का, उसे पैलेस ऑफ मिरर्स कहा जाता था, शीश महल। ऑब्वियसली शीश महल था, सीलिंग पे था, सब जगह था, पर लोगों ने उसे खराब कर दिया, उसके जो मिरर्स हैं वो निकाल दिए खींचकर, सो वो काफी खराब हो चुका है। ऐसे आप यहाँ पर बेसमेंट्स भी देखेंगे जहां पर यू नो सब चीजें कवर्ड हैं, अंदर तो जाने ऑब्वियसली नहीं दिया जाता, बट देखिए इस तरह के हिस्से हैं अंदर, अब जाने तो नहीं दिया जाता बिल्कुल भी, आप एंट्री नहीं कर सकते हो, सब कुछ सील कर दिया है। हाउएवर द प्लेस लुक्स ब्यूटिफुल, आई मीन अभी ऐसा हो गया है कि पहले मतलब कुछ आई थिंक 1 या 2 साल पहले एंट्री थी यहाँ पर अब बिल्कुल भी सील कर दिया गया। इनफैक्ट यहाँ पर सब जगह वॉचमैन है तो आप बिल्कुल भी अंदर जाके कुछ भी देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सो दैट इज़ वन थिंग एंड वी रिस्पेक्ट दैट। सो उस तरह का कोई भी हरकत हमने नहीं किया, बट दिस इज़ द बेसमेंट एरिया, अंदर की तरफ भी यू नो सब पैसेजेस होते थे जाने के, तो ये है। एंड दिस इज़ अबाउट रंग महल, यू कैन सी जो मैंने आपको बताया एग्जैक्टली वही इसमें लिखा हुआ है कि पैलेस ऑफ कलर्स उसे कहा जाता था। और ये है नहरे बिश्त, तो नहरे बिश्त इज़ बेसिकली कॉल्ड एज कैनल ऑफ पैराडाइज कहा जाता था, जहाँ पर कि सारे गार्डन को वहाँ से पानी निकल कर वहाँ पर से सप्लाई होता था, एंड इट इज़ मेड ब्यूटिफुली। एंड यू नो वॉट, पुराने टाइम का आर्किटेक्चर इतना अच्छे से बना हुआ है कि बिना किसी मोटर के फोर्स में पानी हर ज़रूरी जगह पर पहुँचाया जाता था। तो यू कैन इमेजिन कि किस तरह से ये चीज़ बनाई गई थी, क्या इसका साइंस था, आर्किटेक्चर था, कि इस तरह से बिना किसी मोटर के यहाँ पर पानी भेजा जाता था। सो अभी तो बिना मोटर के, बिना यू नो न्यू फैसिलिटीज़ के हम ये सब काम कर नहीं पाते, पर जस्ट अंडरस्टैंड कि किस तरह से पुराने आर्किटेक्ट्स ये सब करते थे। ये देखिए जो लूप्स है ना, तो जब बहुत गर्मी हो जाती है, अब आप दिल्ली की गर्मी तो जानते हैं ऑब्वियसली, आजकल ज़्यादा हो गई है, पर पहले भी तो ये जगह गर्म होती थी, तो यहाँ पर जो है खस के पर्दे लटकाए जाते थे और उसको पानी से भिगाया जाता था या गुलाब जल से भिगाया जाता था, तो उसकी वजह से क्या होता था कि अंदर का जो टेम्परेचर होता था वो ठंडा रहता था। ये सेम चीज़ मैंने सारे राजपूती फोर्ट्स में भी देखी जब मैं जयपुर गई थी, उदयपुर गई थी, तो आई हैव लर्न ऑल दिस अबाउट द आर्किटेक्चर विच इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। एंड जो आप यहाँ पर देखेंगे दैट इज़ द खास महल, ठीक है, तो खास महल का जो हिस्सा है वो बेसिकली बना था, जो क्वींस हैं वो आके मिल सकती थी महाराजा को या फिर एम्परर को, और जो आपने नीचे का भी हिस्सा देखा वहाँ पर एनिमल फाइट्स एंजॉय की जाती थी, हाथी, शेर, भालू, ये सब की जो फाइट्स कराई जाती थी और वहाँ पर वो एंजॉय करते थे एम्परर। तो ये जो खास महल का हिस्सा है वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। इसके अलावा मोती मस्जिद भी है और उसके साइड में जो है रेस्ट हाउसेज भी हैं, जहाँ पर जो खास रॉयल फैमिलीज़ या रॉयल लोग जो आते थे वो रुकते थे, हाथ पैर धोते थे, फ्रेशन अप होते थे, एंड मोती मस्जिद में ऑब्वियसली नमाज वगैरह पढ़ते थे एम्परर वगैरह, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। ये देखिए यहाँ पर एक्चुअली किस तरह से मार्बल पे ब्यूटीफुल तरीके से कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। देर आर प्लेसेस जहाँ पर प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स लगाए हुए थे पर वो सारे निकाल दिए गए हैं। दिस इज़ दीवाने खास, तो दीवाने खास जो है वहाँ पर ये वापस से एम्परर का सिंहासन है, अगेन अंदर नहीं जाने दिया जाता, तो मैंने दूर से जितना हो सके कैप्चर किया विद दिस ब्यूटीफुल नेचुरल पेंटिंग। तो जो मैंने अभी आपको मार्बल की सीटिंग दिखाई है वहाँ पर एम्परर बैठते थे और दीवाने खास की जो ईयरिंग है वो लेते थे, तो दिस इज़ दीवाने खास एंड इट्स रियली प्रिटी। यहाँ पर पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक जो है उनको नहीं बुलाया जाता था, यहाँ पर सिर्फ खास मुद्दों पे चर्चा की जाती थी, सो हेंस दिस इज़ नोन एज द दीवाने खास। एंड जो मैंने आपको पब्लिक ऑडियंस दिखाया वो बताया जाता था दीवाने आम। एंड जैसे मैंने हमाम के बारे में आपको बताया था, ये है शाही हमाम, तो ये जो हमाम है वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि यू नो फ्रेशन अप वगैरह होते थे एंड रेस्ट हाउसेस थे इसके आसपास, तो ये सब चीज़ें हमाम में होती थी कि लोगों को रुकाया जाता था, वो फ्रेशन अप होते थे, पास में मोती मस्जिद है वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी। दिस इज़ द मोती मस्जिद दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये एग्जैक्टली हमाम के साइड में है। सो ये मोती मस्जिद यहाँ पर बनाने का एक और रीज़न है, ये औरंगजेब ने बनाई थी और इसके लिए बनाई थी क्योंकि
क्योंकि ये जो उनके रेस्ट रूम से जो बेडरूम कहा जाता है, जो भी कहा जाता है, उसके बहुत पास थी एंड इट वाज अ सेक्रेट प्लेस फॉर हिम, जहाँ पर वो जाके नमाज वगैरह पढ़ते थे. तो दिस इज़ द मोती मस्जिद का जो मैंने आपको दिखाया था एरिया. और ऐसे बहुत सारे अलग अलग हिस्से हैं यहाँ पर फोर्ट में जो कि देखने लायक हैं. हयात बख्शी गार्डन एंड पवेलियन जो बताया गया, ये बेसिकली गार्डन्स हैं, बहुत ही सुंदर हैं और अभी भी काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने इसे मेनटेन करके रखा हुआ है. तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं ये. मैं तो थोड़ा से ऑटम चालू हो गया था तब गई थी, बट यू रियली लव यू नो वॉचिंग दीज गार्डन्स, इट्स रियली ब्यूटिफुल. बहुत ही बड़े एरियाज में फैले हुए हैं ये. अब हयात बख्श गार्डन में तीन और ब्यूटीफुल एडिशन्स हैं. जो आपको सामने दिख रहा है वो है जफर महल. तो ये एक सीधी लाइन में बना हुआ है. नॉर्थ एंड साउथ में सावन और भादो पवेलियन है और बीचों बीच उसके जफर महल है. बेसिकली इधर से पानी सप्लाई होता था. सो ये इन तीनों महलों के बीच में पानी जाता था. छोटे छोटे हिस्से बने हुए हैं. सावन पवेलियन आपको दिखेगा और दूसरी तरफ एंड में आपको भादो पवेलियन दिखेगा और बीच में आपको जफर महल दिखेगा. तो ये जफर महल जो है ये बहादुर शाह जफर ने बनाया था, जो कि लास्ट रूलिंग मुगल थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जिन्होंने रिबेल किया था अपने फ्रीडम के लिए. तो वो उन्होंने बनाया था ये जफर महल. और मैं आपको बहादुर शाह जफर के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि वो एक ऐसे एम्परर हैं जिनको सज़ा दीवाने आम में उन्हीं के फोर्ट में यहाँ पर लाल किले में सुनाई गई थी. ब्रिटिशर्स की कोर्ट बैठी थी यहाँ पर दीवाने आम में और उनको वहाँ पर मुजरिम करार दिया गया था ट्रेचरी के लिए. ये कहा गया था कि उन्होंने धोखेबाजी की है कंपनी के साथ, जिसकी वजह से उनको रंगून भेज दिया गया था, जो कि म्यांमार इस वक्त का कहा जाता है. तो ये भी एक स्टोरी है बहादुर शाह जफर के बारे में, जो कि लास्ट रूलिंग एम्परर थे दिल्ली में. So after exploring the architecture and the fort areas, it was time for us to see the museum. तो हम म्यूजियम पहले तो जा चुके हैं, बट however आपके लिए मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा म्यूजियम के एलिमेंट्स भी कैप्चर किए हैं. जो तीन म्यूजियम्स हैं यहाँ पर, आई थिंक तीन या पांच म्यूजियम हैं. जो पहला म्यूजियम है उसमें से, उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखेंगी, बिकॉज उसमें चीज़ वगैरह भी पुरानी, पुराने सामान भी रखे गए हैं जो कि आप देख सकते हैं. बाकी म्यूजियम्स में बहुत सारी स्टोरीज, आर्टिफैक्ट्स और पेपर कटिंग्स और बहुत सारी चीज़ हैं. हाउएवर मुझे पर्सनली पहला म्यूजियम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. आई विल शो यू व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई मुझे इंटरेस्टिंग लगता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट म्यूजियम और यहाँ पर आपको इस तरह से पुराने टाइम की चीज़ें भी रखी हुई दिखेंगी. जैसे कि मैंने कहा मैं बहुत फोर्ट्स घूमती हूँ, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ. तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर स्वॉर्ड्स वगैरह रखी गई हैं. आपको पता है राजपूती स्वॉर्ड और मुगल स्वॉर्ड में बहुत अंतर होता है. अब ये नाना साहेब पेशवा की स्वॉर्ड थी जो आपने पहले देखा. जो हिंदू राजा होते थे उनकी स्वॉर्ड थोड़ी कम टिल्टेड होती थी, जबकि मुगलों की स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा टिल्टेड होती थी. तो ये अंतर होता है. आप स्वॉर्ड देख के भी बता सकते हैं कि मुगलों की है या फिर ये किसी हिंदू राजा की है. तो बहुत डिफरेंस होता था. जो आपने दूसरी स्वॉर्ड उसके पहले देखी वो बहादुर शाह जफर की थी और ये कपड़ा भी जो था, गाउन, वो बहादुर शाह जफर का था. ये उनकी क्वीन का स्कर्ट माना जाता है. ये पिस्टल्स हैं पुराने टाइम की, जब पिस्टल्स आने लगी थी तब ये पिस्टल हैं. और डैगर्स हैं, कुछ डैगर्स वगैरह रखी गई हैं. ये राइफल है पुराने टाइम की. और इस तरह से बहुत सारे वेपन्स हैं यहाँ पर. जो डैगर मैंने बताया, ये देखिए नॉर्मल डैगर है और ये जो आप ट्रायंगुलर शेप में देख रहे हैं ये राजपूती डैगर होती है. जो राजपूत होते थे वो इस तरह के डैगर रखते थे.
सो विद टाइम जब आप एक्सप्लोर करेंगे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर वेपन्स में भी बहुत ज़्यादा अंतर होते हैं और उसका भी बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं। हाउएवर हमें भूख बहुत लगी थी तो हम जब बाहर निकले यहाँ से तो हम मेहता फालूदा वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका खाना होता है, बहुत ही टेस्टी फालूदा एंड यू नो कुलचे छोले वगैरह, तो हमने वो सब इंजॉय किया। इट वॉज रियली अमेजिंग। मैंने रबड़ी फालूदा लिया था जिसके बाद हम वापस निकल गए यू नो रेस्ट लेने के लिए। एंड आई होप यू लाइक दिस। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।